Illustration 11. For the numbers A, B, C, D. If B divided by A, C divided by B and D divided by C show that ये तीनों equals हैं. Show that the numbers A, B, C, D are in geometric progression. अब अगर ये A, B, C, D है तो ये D1 होगा, ये D2, D3 and D4. इन्होंने क्वेश्चन में दिया है B divided by A is equals to C. C divide by B and D divide by C. तो ये सब तो B divide by A क्या होता है? R. C divide by B क्या होगा? And D divide by C क्या होगा? तीनों R होंगे. अब अगर तीनों R हैं तो यहाँ पर हमें B क्या हो जाएगा? B is equals to A multiply करेंगे. ठीक है? Now C equals to क्या हो जाएगा? C equals to BR. लेकिन B की वैल्यू हमारे पास है, तो B की जगह पर AR रख रहा हूँ. So C equals to AR into R. So C equals to AR square. Now D equals to C की वैल्यू आ गई है, AR square into R AR cube. नाउ ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है. फर्स्ट टर्म कौन सा है? फर्स्ट टर्म ए होता है हमेशा. सेकेंड टर्म कौन सा होता है? थर्ड टर्म. फोर्थ टर्म. सो देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. प्रूव हो गया. ठीक है, चलो नोट डाउन. Which term of GP 0.008, 0.016 and 0.032 is 4.096? और GP का कौन सा टर्म 4.096 हो जाएगा अगर इसी टर्म से ये आगे बढ़ते रहे तो? सो सबसे पहले A 0.008, R 0.016 डिवाइड बाय 0.8. सो 0.016 डिवाइड बाय 0.008 आंसर क्या होगा? 2. नाउ ए और आर अवेलेबल है हमारे पास. टी एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर इज टू एन माइनस वन. इन्होंने कहा है कोई टर्म है 4.096, बट वो कौन सा टर्म है? हमें एन फाइंड करना है, उस टर्म का नंबर क्या है. सो टर्म हमें दिया हुआ है 4.096, ए की वैल्यू है 0.008 एंड आर की वैल्यू है 2 एन माइनस वन. एन कैलकुलेट करना है हमें.
सो 4.096 डिवाइड बाय 0.008 इज इक्वल्स टू 2 n-1। ये डिवाइड करो 512 2 n-1। अब 2 का कौन सा पावर 512 होता है? 2 का 9th पावर। सो 2 raised to 9 इज इक्वल्स टू 2 raised to n-1। अब अगर बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल हो जाते हैं। सो फाइनली इन दोनों का बेस 2 है, सो देयरफॉर पावर इक्वल हो जाएंगे, 9 equals to n-1। ये दोनों पावर इक्वल हो गए, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 plus 1 equals to n। सो n इक्वल्स टू 10। Illustration 13. If the third term of a GP is the square of the first term, third term T3 is the square of the first term, T1 ka square hai, and the fourth term is 243, find the sequence. Fourth term 243 hai, sequence find karna hai. Kaise karenge? फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। थर्ड टर्म? ओके, चलो देखो। नाउ थर्ड टर्म इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वो तो फोर दिया हुआ है, मैं ये ले रहा हूँ। थर्ड टर्म इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर। क्लियर है? अब एक ए कैंसिल हो जाए तो आपको पता है ऐसा कैंसिल हो सकता है आमने सामने। सो यहाँ पर बच्चे का आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक ए कैंसिल हो जाएगा ना, या तो यहाँ पर दो बार लिख दो ए, और एक ए को सामने ले जाओ डिवाइड में और कैंसिल करो, तो बाकी बच्चे का आर स्क्वायर इक्वल्स टू। अब एक ये हमारा रिजल्ट आया है,
दूसरा हमें पता है कि टी फोर इज इक्वल्स टू ए आर क्यूब होता है। अब टी फोर का वैल्यू क्या है, 243 ए आर क्यूब, तो ए तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, सो आर स्क्वायर एंड आर क्यूब क्या हो जाएगा आर फाइव। अब किसका फिफ्थ पावर 243 होता है, टू का, थ्री का, देखो करके देखो, थ्री का फिफ्थ पावर 243 हो रहा है, ठीक है। अब बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल होते हैं, यहाँ पावर इक्वल हो तो बेस इक्वल, सो यहाँ पर देयर फोर आर इक्वल्स टू, अब पहले हमें आर मिल गया। अब ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू मिल गई हमें थ्री स्क्वायर, तो ए हो जाएगा 9। फिर से पूरा सम देखो, दिया हुआ था थर्ड टर्म इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, उसी को ही ले लिया, थर्ड टर्म इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या होता है ए स्क्वायर। अब एक सिंगल ए कैंसिल करें तो ए इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नाउ दूसरा दिया हुआ है फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म होता है ए आर क्यूब, फोर्थ टर्म की वैल्यू दी हुई है 243। अब ए की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड करके आए हैं आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर आर क्यूब आर फाइव, और 240 होता है 3 raised to 5, सो आर की वैल्यू मिल गई, क्लियर। अब आर की वैल्यू मिल गई, अब यहाँ पर हमें ए चाहिए, सो ए क्या है आर स्क्वायर, सो आर की वैल्यू थी 3 square, ए और आर मिल गया। अब क्या करना है आगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सीक्वेंस फाइंड करना है। तो सीक्वेंस में पहले देखो ए, फर्स्ट सीक्वेंस क्या होता है ए, देन ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, तो फर्स्ट ए क्या होगा 9, सेकंड ए इंटू आर 27, 9 into 3 27, देन 27 इंटू थ्री 81, 81 इंटू थ्री 243, तो देखो फोर्थ टर्म आ गया ना 243, और ये सीक्वेंस है तो यहाँ पर हम डैश डैश करेंगे, सीक्वेंस बोला है उन्होंने। नेक्स्ट कौन सा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 14। हाँ रीड करो। A person deposited rupees 10,000 in a bank in the year 2009.
फर्स्ट ईयर में 10,000 डिपॉजिट किया है, देन 20 डिपॉजिट किए, देन हर साल वो अपना अमाउंट डबल करता जा रहा है, सो 14 तक कितना हो जाएगा? सो देखने जाए तो एक मिनट में पता चल जाएगा, 10, 20, 40, फिर 40 का डबल कितना होगा? 80, देन एंड देन 320,000, ठीक है। बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको तो पूरा सिस्टम से समझा कर करना है। सो ए क्या होगा? फर्स्ट डिपॉजिट 10,000, आर टी टू डिवाइड बाय टी वन, 20,000 डिवाइड बाय 10,000, सो आर की वैल्यू क्या हो गई? 2। नौ 2014 कौन सा टर्म होगा? सिक्स्थ टर्म होगा, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टी सिक्स इक्वल्स टू ए आर रेस टू 5। ए की वैल्यू क्या है? 10,000 इंटू आर 2 फिफ्थ पावर, सो 10,000 आर का फिफ्थ पावर 32, सो 3,20,000, ये आंसर होगा। फर्स्ट डिपॉजिट 10,000 एवरी ईयर डबल हो रही है, सो आर जो है वो 2 हो जाएगा। हो गया, फिफ्टीन। रीड करना। Water tank of capacity of 50,000 liters is fully filled with water. Every week, the water level reduces to half of the previous level due to leakage. What will be the level of water after 5 weeks? No new water is added in the tank. Every week, leakage hai to half ho raha hai water. So, pehle 50,000 tha. Phir kitna ho jayega? 25. Then, 12,500. Aise karke reduce hota jayega. Half hota jayega. सो आर इक्वल्स टू टी टू डिवाइड बाई टी वन, 25,000 डिवाइड बाई 50,000, 1/2, 0.5 नहीं लिखेंगे, 1/2। और क्या पूछा है उन्होंने कि उनका वाटर लेवल का कितना हो जाएगा, कब फाइंड करना है? आफ्टर 5 वीक्स, अंडरलाइन कर लो, आफ्टर 5 वीक। जब आफ्टर वर्ड लिखा हो ना तो 5 वीक की जगह 6 वीक लेना है आपको। 5 हफ्तों के बाद कितना होगा, तो 6th week हो जाएगा ना वो, तो सो हमें T6 कैलकुलेट करना है। सो T6 इक्वल्स टू AR5, A 50,000,
आर 1/2 5 सो 50,000 इंटू 1/32 डिवाइड करो, पॉइंट फाइव लोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे उसके, मीन्स ऐसा ना हो पॉइंट के बाद टू डिजिट ले लिए, अगर फाइव डिजिट है तो फाइव लो, सेवन है तो सेवन लो, सारे ही लेने पड़ेंगे तभी आंसर। 1/5 हाँ, ये इतना लेवल हो जाएगा उनका आफ्टर फाइव वीक। आफ्टर फाइव वीक का मतलब है सिक्स्थ वीक में पानी इतना हो जाएगा, जो वाटर लेवल है वो रिड्यूस होकर इतना हो जाएगा। हो गया, सिक्सटीन, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 20 lakhs। If the population increase at the rate of 3% every year, find the population of the city after 6 years. किसी सिटी का पॉपुलेशन 20 लैक्स है, सो फर्स्ट टर्म 20 लैक्स, सिटी का पॉपुलेशन जो है वो 3% इंक्रीज हो रहा है, अब 20 लैक्स का 3% ऐड करो तो हो जाएगा 20,60,000 नेक्स्ट ईयर के लिए, 3% ऐड करके देखो इसमें, क्लियर है ये पॉइंट, 20 लैक्स का 3% करो और वो ऐड कर दो उसमें, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है इतना पॉपुलेशन। सो फर्स्ट टर्म ए 20 लैक्स, आर T2/T1 20,60,000 / 20 lakhs, और कब की पॉपुलेशन पूछी है, आफ्टर तो एन सेवन ले लेंगे, सो T7 इक्वल्स टू AR6 A 20 lakhs, R 1.03 20 lakhs इंटू 1.03 सिक्स्थ, अब उसमें सारी वैल्यूज बताना आप मुझे, 1.03 का सिक्स्थ पावर पता है क्या होगा, 1.03. नहीं, हाँ बताओ, एक मिनट करके दिखाओ मुझे, करो मैं देखूँ कैसे कर, अरे करके दिखा, अरे नहीं नहीं नहीं, फिर से मैं देखना चाहता हूँ कैसे किया। ओके चलो लाओ, एक मिनट देखो, दिखाओ मैं आपको, कैलसी दो, चलो सभी देखो इधर कि इजीली कैसे किया जाता है, मुझे वो देखना था आप कैसे कर रहे हो। देखो मैं आपसे पूछूं कि 2 का फिफ्थ पावर क्या होगा, 32, लेकिन आप कैसे कर रहे हो, 2 × 2 × बार बार कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, देखो 2 इंटू कर लो एक बार, ठीक है, फिर इक्वल्स टू, एक बार प्रेस किया ना तो वो स्क्वायर हो जाएगा, फिर दूसरी बार प्रेस किया ना तो वो क्यूब हो जाएगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, तो यहाँ पर भी आपको यही करना है, आप क्या कर रहे हो, 1.03 इंटू 1.0 ऐसा नहीं करना है, 1.03 मल्टीप्लाई, अब उसके बाद जो इक्वल्स दबा रहे हो ना वो उसका स्क्वायर हो रहा है, देन क्यूब, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
इक्वल्स टू को प्रेस करते जाना है और नंबर्स काउंट करते जाने हैं आपको। समझ में आया किसका था ख्याल से? सो इसमें आंसर लेंदी आया होगा, वो पूरा मुझे बताना होगा। पहले मुझे मल्टीप्लाई बताओ। हाँ, अब कितना इजी हो जाएगा? 1.03 इंटू देन स्क्वायर 3, 4, 5, 6 1.19 4052 2 9 6 5 2 जितना कैल्सियम आंसर आए उतना लिखना है आपको, और फिर मल्टीप्लाई, इसको ही मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ, 20 लेग के साथ। आंसर 2381 0.59 तो 0.59 है तो इधर 5 कर देंगे। 104 का 59 है ना पॉइंट के बाद, तो इधर 105 कर देंगे क्योंकि पॉपुलेशन कभी पॉइंट में नहीं होती। ठीक है, मैं ये बोलूँगा कि मेरे पास 27 स्टूडेंट्स हैं या 28 हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स 27.5 है। कोई हाफ नहीं है इधर, सब फुल हो। ठीक है, सो पूरा कैलकुलेशन होगा, सो 0.59 होगा तो इसे हम 5 कर देंगे। फाइव पॉइंट के बाद आपको देखना है 59 था, 50 से ज़्यादा हो तो यहाँ 5 कर देंगे, लेकिन 50 से कम हो, ये 0.59 के बजाय 39 होता तो यहाँ पर 104 ही लिखते हम। सेवनटीन होमवर्क में करना है आपको, इलस्ट्रेशन 17 होमवर्क में करोगे। ठीक है, हाँ कुछ और भी, इलस्ट्रेशन 17 मुझे कल के होमवर्क दिखाओ जो लिस्ट लिखवाया था। नहीं, जो यहाँ लिखे थे ना मैंने, सेक्शन ए सेकंड थर्ड फोर्थ लिखते जाओ। एक तो इलस्ट्रेशन दिया 17, ठीक है, सेक्शन ए सेकंड थर्ड फोर्थ नाइन्थ टेंथ सेक्शन बी क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड सेक्शन बी में थर्ड कैंसिल कर दो। सेक्शन सी सेक्शन सी क्वेश्चन 8 आज इतना ही करेंगे।